The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत. आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन, और आज हम बातचीत करेंगे कोरोना वायरस के अंत के बारे में. जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने पैर पसार चुका है, फैल चुका है, और सवाल खड़ा होता है कि ये दुनिया में कब ख़त्म होगा. और उसका अगर हम एविडेंस देखें तो डेटा ड्रिवन एस्टीमेट निकाला गया है एंड डेट्स का, जो कि अपडेट किया गया है आज ही 29 अप्रैल के दिन. तो 29 अप्रैल के दिन डेटा ड्रिवन अपडेट, ये हो सकता है अपडेट आगे चल के चेंज हो, ये अपडेट सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने निकाला है. और याद रखिए, ये अगेन ये कोई पत्थर पे लिखी लकीरें नहीं हैं, लेकिन ये एस्टीमेट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 97% तक कोरोना जो है वो 30 मई तक ख़त्म हो जाएगा, और 100% ख़त्म हो जाएगा 2 दिसंबर के आसपास. यानी कि ये साल भर चलेगा. अभी फ़िलहाल पूरे वर्ल्ड में कहीं 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 कहीं, तो ये पूरे वर्ल्ड की बात है कि 30 मई तक 97% तक ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बचेगा. पूरे वर्ल्ड की बात हो रही. इंडिया की बात अगर करें तो इंडिया के अंदर ये ऐसा नहीं है जैसे पूरे वर्ल्ड में 2 दिसंबर को जाके पूरा ख़त्म होगा, लेकिन इंडिया के अंदर एस्टीमेट किया जा रहा है कि 26 मई को 97% तक कोरोना वायरस इंडिया में ख़त्म हो जाएगा, और 100% ख़त्म हो जाएगा 4 अगस्त के आसपास. तो 4 अगस्त के आसपास इंडिया के आसपास 100% कोरोना वायरस ख़त्म होने के चांसेस आसार नज़र आ रहे हैं. ये एस्टीमेट किया गया है लाइक आई सेड सिंगापुर यूनिवर्सिटी के द्वारा, और ऐसे ही हर एक कंट्री का एस्टीमेट दिया गया है. जैसे कि हम अगर बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज भी देखेंगे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, यूएस में भी 97% 16 मई तक ख़त्म हो जाएगा, और 100% ख़त्म हो जाएगा सितंबर 13 पे, और सिंगापुर में खुद 9 मई में ख़त्म होगा 97%, और अगस्त 8 में 100%. तो ये काफ़ी हद तक लंबा चलने वाला है. इस बीच ये पॉसिबल है कि इस लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ाया जाए, जिसकी अभी पुष्टि हम नहीं कर सकते. ये 100% इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है. जिस प्रकार केसेस बढ़ते जा रहे हैं इंडिया के अंदर, लग नहीं रहा कि लॉकडाउन खोल देना चाहिए. अलग बात है कि ये गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है कि फेजेस में लॉकडाउन खोलें या क्या करें, डिपेंडिंग अपॉन दैट ये डिसाइड होगा. सो याद रखिए, यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये सिंगापुर यूनिवर्सिटी के डेटा ड्रिवन एस्टिमेट्स ऑफ एंड डेट्स के आप प्रिडिक्टिव मॉनिटरिंग में आप जाके हर एक कंट्री का देख सकते हैं, इसका एस्टिमेट दिया गया है. और इसके अलावा अगर आप लाइव एस्टिमेट जानना चाहे तो जॉन हॉपकिंस की यूनिवर्सिटी के थ्रू वर्ल्ड वाइड लाइव अपडेट आ रहा है. याद रखिए, ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इज डूइंग दैट, सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड. सो कोरोना वायरस का पूरा मैप है उनके वेबसाइट पे वर्ल्ड वाइड, उसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कोरोना वायरस कितने मात्रा में फैला हुआ है, और हर दिन वो अपडेट, हर घंटा बल्कि हर घंटा हर दिन वो अपडेट हो.